दोस्तों, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेताओं को देखा होगा जिन्होंने 90 के दशक में जिन अदाकाराओं से प्यार किया उनसे ही शादी रचाकर अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं बॉलीवुड में कई अभिनेता ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने 90 के दशक में जिनसे प्यार किया उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। जी हाँ, ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने जिस अभिनेत्री से प्यार किया उन्हें बीच रास्ते में ही रोता छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक के वो कौन सी मशहूर अभिनेत्रियां हैं और कौन से अभिनेता उन्हें रोता हुआ छोड़कर गए? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से अभिनेता हैं जो अपने लव पार्टनर को बीच रास्ते में छोड़कर रोता हुआ चले गए थे। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, सनी देओल एंड डिम्पल कपाड़िया। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है 2.5 किलो के हाथ से फेमस हुए अभिनेता सनी देओल का, जिन्होंने अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से बेहद प्यार किया था, पर इन्होंने उन्हें प्यार में धोखा दे दिया। जी हाँ, जब डिम्पल कपाड़िया ने इन्हें शादी करने को कहा तो सनी देओल ने इन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। साथ ही डिम्पल कपाड़िया उनके प्यार में काफ़ी ज़्यादा रोई भी, पर इन्होंने इनके प्यार को ना समझते हुए उन्हें बीच रास्ते में रोता हुआ छोड़कर चले गए। नंबर 2, गोविंदा एंड रानी मुखर्जी। अब बात करते हैं 90 के दशक के हैंडसम अभिनेता गोविंदा के बारे में। तो आपको बता दें कि अभिनेता गोविंदा एक समय पर 90 के दशक की क्वीन रानी मुखर्जी से बेहद प्यार करते थे और रानी मुखर्जी भी इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। पर आपको बता दें कि इन्होंने रानी मुखर्जी को धोखा दे दिया, जिन्होंने इनके प्यार को ना समझते हुए उन्हें बीच रास्ते में ही रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। नंबर 3, आमिर खान एंड आयशा जुल्का। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान के बारे में। तो आपको बता दें, अभिनेता आमिर खान 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री आयशा जुल्का से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और आयशा जुल्का भी इनसे बेहद प्यार करती थी। पर आपको बता दें, आमिर खान ने आयशा जुल्का को प्यार में धोखा दे दिया। जी हाँ, वो इनके प्यार में रोती रही पर इन्होंने इनके प्यार को नहीं समझा और उन्हें रोता हुआ छोड़कर चले गए। नंबर 4, अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में। तो आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार ने भी 90 के दशक की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन से बेहद प्यार किया था और आपको बता दें कि रवीना टंडन भी अक्षय कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उनसे शादी रचाना चाहती थी। पर जब इन्होंने अक्षय से शादी रचाने के लिए कहा तो अक्षय कुमार ने इनके प्यार को ना समझते हुए इन्हें धोखा देते हुए छोड़ दिया। जी हाँ, रवीना टंडन उनके प्यार में रोती रही पर अक्षय कुमार ने उनके प्यार को नहीं समझा और उन्हें बीच रास्ते में अकेला ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप इन अभिनेत्री के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।